वो क्या करते हैं ना, बॉडी वॉश को हाथ से लगा लेते हैं, आफ्टर दैट एक कॉटन क्लोथ के रिगार्डिंग, मीन्स कॉटन क्लोथ हो सकता है रुमाल हो आपका छोटा सा टुकड़ा कोई कपड़ा। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल। मैं पूजा, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और मेरे नेक्स्ट वीडियो। तो गाइज, आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ न्यू लक्स बॉडी वॉश का रिव्यू। तो ये है आपका फ्रेग्रेंट स्किन ब्लैक ऑर्चिड सेंट एंड जूनिपर ऑयल से बना हुआ है ये बॉडी वॉश। तो इसकी जो नेट कंटेंट है गाइज, एज यू कैन सी हियर, इट इज़ ऑफ 245 ml। इसकी जो MRP कॉस्ट है ये है 99 rupees। ये प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर्ड हुआ है अगस्त 2021 और इसकी जो एक्सपायरी है ये है जनवरी 2024। अब बात कर लूँगी, देयर आर 3 steps दैट दे आर शोइंग हाउ यू नीड टू अप्लाई दिस बॉडी वॉश ऑन योर बॉडी। सो गाइज, यहाँ पे आप लोफा का यूज़ करते हो नहीं करते हो आई डोंट नो, अगर करते हो वेल एंड गुड, नहीं करते हो फिर भी जो अगर आप हाथ से यूज़ कर रहे हो अपने बॉडी में, ऑल ओवर बॉडी अगर आप हाथ से लगा रहे हो बॉडी वॉश को, इट्स अप टू यू गाइस आप कैसे यूज़ करते हो। तो गाइस देयर आई हैव सीन समवेयर, तो जहाँ पे मैं ये भी ऐसा भी देखी हूँ, वो क्या करते हैं ना बॉडी वॉश को हाथ से लगा लेते हैं, आफ्टर दैट एक कॉटन क्लोथ के रिगार्डिंग, मीन्स कॉटन क्लोथ हो सकता है रुमाल हो आपका छोटा सा टुकड़ा कोई कपड़ा हो और समथिंग लाइक दैट, उससे जो है आप अपने बॉडी को क्लीन कर सकते हो। तो ये टेक्निक मेरे को इतना सही लगा तो मैं डेफिनेटली जाके पूछी कि आप ऐसा हमेशा करते हो, तो बोलते हैं हाँ, लोफा जो है मेरी स्किन को और ड्राई करता है, दैट्स द रीज़न कि मैं हमेशा कॉटन का कोई भी एक यूज्ड अनयूज्ड कपड़ा जो भी हो, जो भी पसंद आ रही है। कई बार तो ऐसा होता है कि मैं रुमाल को ना सुई और धागे से जो है एक लोफा टाइप बना लेती हूँ और उसके बाद उसी से जो है मैं अपने बॉडी पर रफ करती हूँ आफ्टर अप्लाइंग बॉडी वॉश। तो ये टेक्निक मेरे को काफ़ी सही लगा क्योंकि बहुत लोग जो है लोफा यूज़ करते हो, बहुत लोग हाथ से ही जो है जुगाड़ कर लेते हो, कोई कोई लोग जो है ऐसे रुक्की से एक रुमाल यूज़ कर लेते हो या फिर कॉटन का कोई भी सूती का कपड़ा, आपके प्रेफरेंस आपके यूज़ के अकॉर्डिंग आप जैसे भी यूज़ करना चाहो यूज़ कर सकते हो। सो गाइस, यहाँ पे एक बात मैं आप लोग के साथ यहीं पे शेयर कर देती हूँ कि लोफा जो है ना गाइस, ये ड्राई स्किन वाले थोड़ा कम यूज़ कीजिए, बिकॉज दिस इज़ समथिंग जो कि आपकी स्किन को और ड्राई करता है। तो अगर आप को ऐसा लगता है कि लोफा यूज़ नहीं करेंगे तो क्या करेंगे, तो कर सकते हो आप यहाँ पे सूती कपड़े का जुगाड़। तो इसको एक बार डेफिनेटली करके देखना गाइस, जितना आपका स्किन ड्राई होता है उतना ड्राई होना बंद हो जाएगा। तो आप हमेशा से ब्लेम करते हो शायद कि बॉडी वॉश ख़राब है, सोप नहीं जम रहा है, ये नहीं जम रहा है, आपका नहीं जम रहा है लोफा, तो वो लोफा वो फिर छोड़ो और ले लो एक जुगाड़, देसी जुगाड़ सूती कपड़े का, रुमाल है चलेगा, पुराना कपड़ा है फाड़ के ले लो, कुछ ऐसा जुगाड़ करो आप कर सकते हो चीज़ें। ओके फाइन, कमिंग बैक टू दिस बॉडी वॉश, तो ये बॉडी वॉश का गाइस अगर आप देख रहे हो इसका कलर तो ये है पर्पल इन कलर। इसकी जो स्मेल है गाइस काफ़ी स्ट्रॉन्ग स्मेल है, स्ट्रॉन्ग स्मेल तो है ही, साथ ही साथ अगर आप ऐसे बोलोगे कि मैम ये स्मेल जो है स्ट्रॉन्ग है, बट ये क्या हम ले सकते हैं कि नहीं, डेफिनेटली ले सकते हो गाइस, ये स्ट्रॉन्ग स्मेल है बट इसकी जो फ्रेग्रेंस है काफ़ी बहुत बहुत बढ़िया स्मेल है। तो आपको एक इरिटेशन टाइप जो है स्मेल वो नहीं आएगा, ये बहुत ही नेचुरल स्मेल करती है बट थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग है। तो गाइस मैं बॉडी वॉश के रिगार्डिंग मैं अगर अपना पर्सनल व्यू दे रही हूँ तो मैं बॉडी वॉश में जो है स्ट्रॉन्ग स्मेल वाली बॉडी वॉश ज़्यादा यूज़ करना प्रिफर नहीं करती हूँ। जो बॉडी वॉश मेरे को सबसे बेहतर लगती है और जो मैं बहुत कंफर्टेबली यूज़ करती हूँ दैट इज़ डव बॉडी वॉश। उसको मैं इतना टाइम यूज़ की हूँ, इतने बार यूज़ की हूँ गाइस, आई कांट इवन टेल यू। मेरे वॉशरूम में अगर बॉडी वॉश होती है तो एक डव का होती है, डव का हमेशा रहता है, नहीं भी रहता है। तो कुछ कुछ नए प्रोडक्ट भी जो है गाइस हमेशा से मुझे यूज़ करना पड़ता है इन ऑर्डर टू टेल द रिव्यू ऑफ दैट प्रोडक्ट। तो ये बॉडी वॉश आपकी स्किन टाइप के लिए हो सकता है सूटेबल हो और आपको अच्छा लगे, बट ये थोड़ा सा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ऐसा नहीं बोल रही हूँ गाइस कि स्ट्रॉन्ग स्मेल है तो अच्छी स्मेल नहीं है, ये बहुत अच्छी स्मेल है। ये अगर आप अप्लाई करके और अप्लाई करके अगर बाहर आ रहे हो ना, आई गेस कि 30 मिनट के आसपास जो है आपके बॉडी में ये बॉडी वॉश का स्मेल जो है रहेगा। अब बात करती हूँ गाइस, ये बॉडी वॉश क्या ये फीमेल ही यूज़ कर सकते हैं, मेल यूज़ कर सकते हैं कि नहीं? तो गाइस ये जो बॉडी वॉश होती है, बॉडी लोशन होती है, उसके बाद कुछ कुछ फेस वॉशेस होती है, तो गाइस हमेशा से कोशिश कीजिए ये सारी जो प्रोडक्ट होती है ना, ये सारी प्रोडक्ट आपका होता है दोनों जेंडरों के लिए, मींस आप कोई भी हो आप यूज़ कर सकते हो।
और ये सिर्फ फीमेल स्किन टोन को सोचते हुए ये सारी चीज़ें जो है मैन्युफैक्चर्ड नहीं होती है। अब इसको ओपन करके मैं दिखा देती हूँ गाइस आपको। पर्पल कलर जैसे कि आपको देख के समझ आ रही है, इसको मैं ओपन करने का मोटिव यही है कि आप इसका थोड़ा होल देख लीजिए। इसका जो होल है ना थोड़ा सा बड़ा है दूसरे बॉडी वॉश से, इट मीन्स कि इसका जो प्रोडक्ट है काफ़ी जल्दी ख़त्म होने का एक जुगाड़ है। तो कंपनी वाले थोड़ा सा होल को जो है बड़ा कर दिए ताकि आप सही से प्रेस करो, एक ही बार प्रेस करोगे बहुत ज़्यादा चलते बनेगा, बट उतना नहीं चाहिए। इसमें एक पॉजिटिव या फिर एक पॉजिटिव पॉइंट ये भी है कि ये काफ़ी कम बॉडी वॉश लेता है और आपको डिज़ायर्ड मात्रा में झाग प्रोवाइड करती है। दैट मीन्स कोशिश कीजिए कि बहुत ही कम क्वांटिटी जो है आप लीजिए अपने लोफे में या फिर जो भी अपने हैंड्स में, जिसमें भी आप अप्लाई करके जो है रफ करोगे अपने बॉडी में, कम क्वांटिटी लीजिए। ये डेफिनेटली अप्रोप्रिएट झाग जो है ये आपको प्रोवाइड करके देगा। तो इसके एक बार देख लिए हो गाइस इसका बॉटल और इसका टेक्सचर वगैरह में आप सब कुछ जो है मैं आप लोग के साथ शेयर कर दी हूँ। तो अब बात करती हूँ गाइस इसको रेटिंग में कितना दूंगी। तो गाइस अकॉर्डिंग टू माय पर्सनल व्यू मैं ऐसा रेटिंग देखिए गाइस इसमें 5 में से मैं 3.5 रेटिंग दूंगी। 2 पॉइंट मेरे को ये सही नहीं लगा था। फर्स्ट थिंग इसका जो होल है ये थोड़ा सा ज़्यादा ही है, इट मीन्स कि आप ठीक है ये एक बिजनेस का अलग सा जुगाड़ है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट। होल थोड़ा सा ज़्यादा है, इसलिए क्या है ना हमेशा जब भी बॉडी वॉश को मैं लोफे में ले रही हूँ तो हमेशा आई जस्ट नीड टू चेक इट आउट कि अरे ज़्यादा तो नहीं गिर गया, क्योंकि उतना चाहिए ही नहीं है तो क्यों लेना उतना ज़्यादा, एक टाइप ऑफ वेस्टेज मेरे को लगती है। सेकेंड थिंग जो है इसकी जो स्ट्रॉन्ग स्मेल है ये थोड़ा सा मुझे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लगी, उतना स्ट्रॉन्ग स्मेल मेरे को नहीं भाता। आपको नहीं भाएगा ऐसा भी नहीं बोल रही हूँ गाइस, आपको हो सकता है ये 5 में से 4.5 रेटिंग आपका डिजर्व करता हो, बट मुझे थोड़ा सा ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग लगा। बात कर लेती हूँ गाइस इसमें क्या चीज़ मेरे को अच्छी लगी। फ्रेग्रेंस इसका अच्छा है, अफोर्डेबल प्राइस है, 99 रुपीज़ में 245 ml, मैटर करती है चीज़ राइट। अब ऑयली स्किन ये हर एक स्किन टाइप के लिए जाएगा, ऑयली हो, नॉर्मल हो, ड्राई हो। ड्राई स्किन वाले जो है गाइस आप बॉडी वॉश लक्स का ये बॉडी वॉश जो है समर डेज में प्रिफर करोगे ज़्यादा, तो मेरे को लगता है कि ये ज़्यादा बेहतर होगा अपार्ट फ्रॉम विंटर डेज। सिर्फ विंटर डेज को स्किप करके आप समर, रेनी, स्प्रिंग सीजन्स, ये सारी सीजन्स में जो है आप इस बॉडी वॉश को जो है कंफर्टेबली यूज़ कर सकते हो। तो गाइस आज के वीडियो में बस इतना ही। आई होप गाइस वीडियो हेल्पफुल रहा होगा, एंड इफ़ यू आर द वन यूजिंग दिस प्रोडक्ट ज़रूर से कमेंट सेक्शन में शेयर करना गाइस कि ये प्रोडक्ट आपको कैसे लगता है। साथ ही साथ आई गेस कि इसका 3-4 फ्लेवर लक्स का बॉडी वॉश का जो है अवेलेबल है मार्केट में, तो गाइस उसका भी जो है रिव्यू मैं नेक्स्ट वीडियो में लाऊंगी या नेक्स्ट किसी एक वीडियो में मैं उसका भी जो है रिव्यू शेयर करूंगी आप लोग के साथ। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू सून गाइस विद द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए आप जुड़े रहिए मेरे चैनल के साथ, साथ ही साथ आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा गाइस कि कैसा लगा ये वीडियो, साथ ही साथ कैसा लगा आपको ये बॉडी वॉश अगर आप यूज़ कर रहे होंगे तो।